हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाइपरसोनिक इंडियन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। सुबह उठने के बाद से सोने तक हम प्लास्टिक से ही घिरे रहते हैं, एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोते टाइम भी प्लास्टिक में ही उलझे रहते हैं। प्लास्टिक में बहुत सारी सुपर पावर्स यानी कि क्वालिटीज हैं, जैसे कि लाइट वेट, ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, ब्यूटीफुल एंड चीप यानी कि सस्ता। अब इनकी क्वालिटीज की वजह से प्लास्टिक बहुत ही पॉपुलर है, और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि अर्थ एंड वाटर पोल्यूशन। पैसिफिक ओशन में तो एक पैसिफिक गार्बेज पैच बना हुआ है जो पूरी तरह से कवर्ड है प्लास्टिक से। वैसे तो प्लास्टिक को रिसाइकलेबल कहा जाता है, लेकिन जिस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जाता उसे गार्बेज में फेंक देते हैं, और वही प्लास्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोगों ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ट्रायंगल देखा होगा, और उस ट्रायंगल में एक नंबर लिखा होता है, ये भी प्लास्टिक को रिसाइकल करने से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम इसी नंबर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स फायर इट अप। सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ने 1988 में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, सो दैट रिसाइकलर्स एंड कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक में डिफरेंशिएट कर पाएं। जिन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर नंबर 1 लिखा होता है उसका मतलब है PET यानी पॉलीथिलीन टेरेपेथेलेट। इसका यूज फूड ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, एंड ये रिसाइकलेबल तो है बट ये रीयूजेबल नहीं है। नंबर 2, इसका मीनिंग है HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये फूड केमिकल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये रिसाइकलेबल तो है, लेकिन रीयूजेबल सिर्फ कुछ ही केसेस में है, अगर फूड आइटम्स इसमें पहले से ही पैक्ड आती हैं। इस प्लास्टिक का यूज नॉर्मली शैम्पू एंड लुब्रिकेंट ऑयल्स की बॉटल्स को बनाने के लिए करते हैं। नंबर 3, इसका मतलब है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूज पाइप्स एंड ट्यूबिंग्स को बनाने के लिए किया जाता है, ना तो ये रिसाइकलेबल है और ना ही रीयूजेबल है। नंबर 4 है LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये काफी हद तक रिसाइकलेबल एंड रीयूजेबल है, इसका यूज पॉली बैग्स बॉटल्स को बनाने के लिए करते हैं। नंबर 5, PP यानी पॉलीप्रोपिलीन। इसका यूज लंच बॉक्सेस, प्लास्टिक बॉटल कैप्स एंड मेडिकल स्टोरेज बॉटल्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, इसी वजह से इसको रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 6, पॉलीस्टीरीन। ना तो ये रिसाइकलेबल है और ना ही रीयूजेबल है, इसका यूज डिस्पोजेबल कप्स एंड पैकेजिंग फोम को बनाने के लिए करते हैं। नंबर 7, 1 से 6 नंबर के अलावा बाकी सभी तरह के प्लास्टिक्स को नंबर 7 की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीलेक्टाइट आते हैं। इन प्लास्टिक्स का यूज CDs एंड DVDs एंड मेडिकल स्टोरेज इक्विपमेंट्स जिनमें केमिकल्स को स्टोर करते हैं उन सबको रखा जाता है, एंड ये रिसाइकलेबल भी नहीं है बट ये रीयूजेबल है। सो ये प्लास्टिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो एंड शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप प्लास्टिक्स के बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरी साइंस वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एक इंटरेस्टिंग साइंस वीडियो को मिस नहीं करोगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।